will launch new model that is evolutionary model. This is another model. ठीक है, तो हम पहले पढ़े थे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, उसके बाद इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, उसके बाद द प्रोटोटाइप मॉडल पढ़े थे. नेक्स्ट वन इज इवोल्यूशनरी मॉडल. सो तुम इवोल्यूशनरी मॉडल को तुम सक्सेसिव मॉडल बोल सकते हो और इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोल सकते हो, राइट? और यू कैन से दैट इट इज इंक्रीमेंटल मॉडल भी बोल सकते हो. एक्चुअली इसमें काम कैसे होता है, जो मेन प्रोजेक्ट है उसको डिवाइड किया जाएगा, मॉड्यूल मॉड्यूल डिवाइड किया जाएगा. मॉड्यूल मॉड्यूल डिवाइड करने के बाद, पार्ट पार्ट करने के बाद, उसको जो बन गया उसमें से कोर मॉड्यूल जो है, जो मेन मॉड्यूल है, उसको पहले डेवलप किया जाएगा. ठीक है, उसको डेवलप करने के बाद फिर नेक्स्ट मॉड्यूल को डेवलप किया जाएगा, फिर उसको इंक्रीमेंट किया जाएगा. डेवलप होने के बाद इंक्रीमेंट किया जाएगा. इंक्रीमेंट मीन्स विल मर्ज इट, राइट? उसके बाद खत्म हो जाने के बाद फिर न्यू मॉडल ऐड करेंगे मॉड्यूल. ठीक है, ऐसे ऐसे इंक्रीमेंटली डेवलप करते रहेंगे और इंक्रीमेंटली उसको ऐड करते रहेंगे. एट द एंड विल डिलीवर द होल प्रोजेक्ट. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू, सपोज एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, उसको सपोज फर्स्ट मॉड्यूल जो है दैट इज ए, एक मॉड्यूल है दैट इज ए एंड दिस द कोर मॉड्यूल. उसके बाद और एक मॉड्यूल है, जैसे कि जो कोर था वैसे ही रहेगा. उसके बाद जो न्यू मॉड्यूल आएगा, हिज नेम इज बी, एंड उसके बाद और एक मॉड्यूल आया सी. ठीक है, सो हियर ए बी सी डॉट 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 मॉड्यूल्स, दीज आर द मॉड्यूल्स. सो ये किस तरह का होगा, सपोज जो होल प्रोजेक्ट है उसको मॉड्यूल मॉड्यूल किया जाएगा, पार्ट पार्ट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो मेन मॉड्यूल है उसको पहले डेवलप किया जाएगा. जैसे कि ए, A is the main module, or we can say that it is a core module. पहले A module को develop किया जाएगा. ठीक है, ये fully develop होने के बाद उसके बाद और एक module develop किया जाएगा, that is module B. And उसके साथ incrementally मतलब जोड़ के add करके दोनों को फिर develop किया जाएगा. जब ये दोनों fully develop हो जाएंगे फिर से क्या करेंगे, और एक module add उसमें add करेंगे, increment करेंगे, that is module C. ठीक है, ये जब फिनिश हो जाएगा और फुल्ली डेवलप हो जाएगा फिर और एक मॉड्यूल ऐड करेंगे. ठीक है, एक एक मॉड्यूल ऐड करते करते जितना मॉड्यूल किया गया, जितना पार्ट किया गया, जितना डिवाइड किया गया, हर एक मॉड्यूल को ऐसे ऐसे इंक्रीमेंट करते करते डेवलप किया जाएगा. उसी लिए इसका जो नाम दिया गया इवोल्यूशनरी मॉडल, और कैन से दैट इंक्रीमेंटल मॉडल, मीन्स इंक्रीमेंट करते करते हम डेवलप करेंगे और इसको सक्सेसिव मॉडल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो वो चीज होने के बाद फिर से क्या होगा, जो एक मॉड्यूल जो डेवलप होता है वो किस तरह का डेवलप किया जाता है, पहले देखा जाता है रफ रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशंस इज द फर्स्ट स्टेप. जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर का, ठीक है, उसको रफली और डिजाइन कर लेंगे, उसको रिकॉर्ड बना लेंगे, राइट, मेंटेन कर लेंगे एसआरएस में. उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द कोर एंड अदर पार्ट्स टू बी डेवलप्ड इंक्रीमेंटली. उसको जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट आ जाने के बाद क्या करेंगे, जो होल प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसको मॉड्यूल किया जाएगा, पार्ट पार्ट किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा. डिवाइड करने के बाद पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे विच इज द कोर मॉड्यूल, राइट? सो दैट इज रिटन हियर, आइडेंटिफाई द कोर मॉड्यूल. जो कोर मॉड्यूल उनमें से जो कोर मॉड्यूल है उसी को पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा. आइडेंटिफाई करने के बाद उसी को पहले शुरू किया जाएगा. दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग व्हिच इज द कोर मॉड्यूल. आइडेंटिफाई करने का यही रीजन ये है कि उसी को पहले किया जाएगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाई कर कोर मॉड्यूल आइडेंटिफाई किया जाएगा. उसके बाद जो अदर मॉड्यूल से, ठीक है, अदर मॉड्यूल से उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्योंकि उसके कोर मॉड्यूल डेवलप होने के बाद जो रेस्ट मॉड्यूल रहा वो इंक्रीमेंटली
उसको डेवलप भी किया जाएगा, इसलिए उसी को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, डेवलप द कोर पार्ट यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। जो मॉडल डेवलप मतलब आइडेंटिफाई किया गया, चाहे वो कोर मॉड्यूल हो चाहे वो रेस्ट मॉड्यूल हो, राइट, उसी को जो डेवलप किया जाएगा यूजिंग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, वो कंसेप्ट से डेवलप किया जाएगा। जैसे कि इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या है कि फीडबैक पाथ, लेकिन क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में फीडबैक पाथ नहीं है। मींस इफ यू डिड एनी एरर यू कैन गो बैक एंड करेक्ट इट, ठीक है, बट वो क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में वो कंसेप्ट नहीं था। तो इसमें जो होगा, जो मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा, इसमें इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा, ठीक है, उसी को यूज करके ही एक मॉड्यूल डेवलप किया जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद, एक एक मॉड्यूल डेवलप हो जाने के बाद फिर क्या होगा, कलेक्ट कस्टमर फीडबैक एंड मॉडिफाई रिक्वायरमेंट्स। सो जो मॉड्यूल डेवलप किया गया उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लेंगे, ठीक है, कस्टमर अगर सेटिस्फाई होता है तो नेक्स्ट मॉड्यूल फिर डेवलप किया जाएगा, राइट। एक एक करके मॉड्यूल डेवलप करेंगे, डेवलप करने के बाद कस्टमर को शुरू करेंगे, वेदर कस्टमर इज सैटिस्फाइड और नॉट, एंड ही कैन आल्सो ऐड सम न्यू फीचर्स आल्सो, ही गिव हिज फीडबैक, राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर देखेंगे ये फुल्ली डेवलप हो जाने के बाद एक मॉड्यूल कस्टमर का फीडबैक ले लेंगे, अगर सैटिस्फाइड हो जाता है तो ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेवलप द नेक्स्ट आइडेंटिफाइड फीचर्स यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। जब एक मॉड्यूल खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट मॉड्यूल डेवलप करेंगे, सेम यूजिंग इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। ये प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा, मतलब जितना मॉड्यूल है उतना मॉड्यूल को डेवलप करते रहेंगे और कस्टमर का फीडबैक लेंगे, उसी तरह का चलता रहेगा। Until unless all the modules is not finished, that is written here, all features completed. जितना फीचर्स ऐड किया जाए उतना चाहिए, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा, ठीक है। सो व्हेन ऑल द मॉड्यूल्स आर डेवलप्ड, ठीक है, उसके बाद जाएगा डिलीवर किया जाएगा, आफ्टर दैट दैट कम्स टू मेंटेनेंस फेज, ठीक है। सो ये मॉड्यूल कब चूज किया जाएगा, व्हेन द प्रोजेक्ट इज वेरी लार्ज, अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा तभी ये इवोल्यूशनरी मॉडल को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। और इसमें डीमेरिट ये है, जो मॉड्यूल डिवाइड करना, जैसे डीमेरिट, ठीक है, मीन्स जो होल प्रोजेक्ट है उसको पार्ट पार्ट करना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आफ्टर दैट फाइंडिंग द कोर मॉड्यूल, दैट इज ऑल्सो अनदर डीमेरिट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।